अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट मावा की रेसिपी जो बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। ट्रेडिशनल मावा बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। आप इंस्टेंट मावा से कोई भी मिठाई बना सकते हैं और इसे गाजर के हलवा में भी डाल सकते हैं और इससे शीर खुरमा भी बना सकते हैं। तो चलिए इंस्टेंट मावा बनाना शुरू करते हैं। मावा बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन के गरम होते ही इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी के पिघलते ही हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे और दूध को चलाते हुए 1 उबाल आने देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। जैसे ही दूध में हल्का उबाल आने लगेगा हम मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालते वक्त हमें स्पून चलाते ही रहना है ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े। इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। और जो पैन के साइड में लगा हुआ है इसे भी स्क्रैच करके मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट ही लगता है। ध्यान रखे इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, हम इसी तरह इसे साइड से स्क्रैच करके मिलाते रहेंगे। अब ये मिक्सचर पैन से अलग होने लगा है तो इसका मतलब ये है कि मावा तैयार हो चुका है। हमें अब इसे और नहीं पकाना है वरना ये कड़ा हो जाएगा। अब फ्लेम को ऑफ करके मावा को एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे।